बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज वीडियो में हम बात करेंगे साबिक चीफ जस्टिस साकिब नासूर साहब की। नाजरीन, साबिक चीफ जस्टिस साकिब नासूर साहब की एक ऑडियो लीक हुई है। वो लोग जो अलामा साद हुसैन रिजवी साहब को एक तरफ से कत्ल की धमकियां दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ से वो इस साकिब नासूर साहब की इस ऑडियो लीक को पाकिस्तान के आईन और कानून के खिलाफ वर्जी करा दे रहे। ये मुनाफ़कत देखें कि जो पाकिस्तान के अंदर बड़ा तबका है वो क्या करता है, उसके लिए कोई कानून नहीं। जो छोटा तबका है उसके लिए कानून है और कानून की हुक्मरानी भी उसके लिए चल रही है। आपके सामने के ये साकिब नासूर साहब जो हैं, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। ये वो बदबख्त चीफ जस्टिस गुजरे जिसने पाकिस्तान की तारीख में इंतहाई गैर मुनसफाना फैसले किए जिससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसकी जो ऑडियो लीक हुई है, आइए सबसे पहले आपको इसकी वो ऑडियो सुनवाते हैं। जजमेंट जी जरूर देख लेना, सेवन मेंबर जजमेंट है और जी अपना सो मोटो है नंबर 4 of 2010 रिपोर्टेड है सर। ए दो सेवन मेंबर जजमेंट 2012 सुप्रीम कोर्ट 553 उत्ते। अच्छा जी, ठीक है ना जी, मैं देख लेना। जरा भी वकील तलाक कर रहे हैं जरा देख लेना। जो कुछ हो आजाद जम्मू कश्मीरी ओदे बाद ते कोई अमर पानी मेरे हाल जी वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द एमए होने ऑर्डर कर दे पहले वो। तो नाज़रीन, ये थी वो वीडियो जो आप लोगों के साथ शेयर की गई ऑडियो जिसमें पाकिस्तान के आईन और कानून को रूंधा जा रहा है और इसके साथ साथ अपनी मर्जी के फैसले किए जा रहे हैं। जिस तरफ से जो दूसरे लीडर है उनको धमकी दी जा रही है, अगर ये धमकी इमरान खान को मिलती या किसी और को मिलती तो याद रखिएगा अब तक वो धमकी देने वाला उठा लिया जाता, लेकिन यहाँ पर उसके दिफा में लोग सामने आ रहे हैं। ये थी नाज़रीन अहम दीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।